दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। दोस्तों आज मजदूर परेशान है, बहुत हृदय विदारक दृश्य आ रहे हैं, पैदल चलने को मजबूर हो रहे हैं। इस लॉकडाउन में उन्हें कैसे बचाना है, उन्हें कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर कहीं पहुंचना है तो पहुंचाना है, इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की जो राज्यों को ऑर्डर करनी है, और उनके लिए फ्री राशन कार्ड नहीं भी है तो फ्री चावल, गेहूं और दाल की व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने की, ताकि इस लॉकडाउन में वो जहां हैं वो अपने को बचा सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और बहुत लोग पैदल निकल पड़े, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, राजस्थान से। अब सवाल उठता है कि जब ट्रेन ऑर्डर करना हुआ तो जब यूपी ने 487 ट्रेन ऑर्डर किया तो कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ ने 10, ममता बनर्जी के स्टेट पश्चिम बंगाल ने 9, कांग्रेस वाले स्टेट राजस्थान ने 22, कांग्रेस समर्थित झारखंड से 48 और बिहार ने 254 लगातार जारी है। प्रियंका गांधी जी बोलती हैं, योगी जी हम 1000 बस देने को तैयार हैं, आप इनको लोगों को पैदल न जाने दीजिए। प्रियंका जी, योगी जी ने वैसे भी कहा है कि जो भी पैदल जाता हुआ दिखे उसको गाड़ी से, बस से उनको घर पहुंचाया जाए। लेकिन प्रियंका जी एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास इतनी बसें थीं, फिर महाराष्ट्र से लोगों को पैदल क्यों जाना पड़ा, राजस्थान से पैदल क्यों जाना पड़ा, दिल्ली से पैदल क्यों जाना पड़ा? क्या आप इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा मांगेंगी? राजनीति का समय नहीं है। फिर भी धन्यवाद योगी जी, आपने प्रियंका जी के बसों का डिटेल्स मांग लिया है और प्रियंका जी आप डिटेल्स दीजिए, लेकिन मूल उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे हमारे मजदूर भाई आज मजबूर न होके राहत की सांस लें, जहां है वहां या जहां पहुंचना है वहां।